आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो यहाँ पर पी रही हूँ मैं चाय और साथ में देख रही हूँ मैं रीना दीदी की एलबी। रीना दीदी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है रीना दीदी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कपड़े लगा दिए हैं सूखने के लिए। थोड़ी सी धूप निकली है, देखते हैं कितनी देर के लिए निकली है ये, मगर सुखाने तो पड़ेंगे। थोड़ी देर में ही फिर से बारिश आ जाएगी तो फिर अंदर ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है मेरा साफ सफाई का काम। सफाई कर लीजिए, बच्चों ने तो आते ही धमाल मचा देनी है। बच्चे आ गए घर वापस, सुबह 7 बजे गए थे और 10 बजे वापस। तो आज मैंने लंच में बनाए हैं दाल और चावल। तो फ्रेंड्स आज फिर से बारिश उतनी ही तेज लगी जितनी कल थी। मेरे को लगता है आज मेरे को फिर से भीगना पड़ेगा, क्योंकि पानी फिर से रुक जाएगा तो मेरे को फिर से निकलना पड़ेगा। तो ये बन चुके हैं पकोड़े, अब मैं बच्चों को दे के आती हूँ। तो ये देखिए
पकौड़े तो मैं इनको बाद में दूंगी, पर आप रूम की हालत देख लीजिए, ये कैसे कर दी इन्होंने, सुबह मैंने कैसे की थी अब देख लो। और तन्मय जी तो ऐसे शरीफ बन के बैठ गए जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 5 मिनट में तो रूम साफ करके दे दो, लो खा लो और लेके आती हूँ, है ना, खाओ आप। तो शर्मा जी भी आ चुके हैं और खा रहे हैं पकौड़े, और इनसे पूछते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत ही जबरदस्त बने हैं, बरसात का मौसम हुआ साहब और तनु जी के हाथ के बनाए हुए पकौड़े हों तो फिर दिन ही बन जाए। दोस्तों ये पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ हो चुकी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मम्मा के चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करना। बिल्कुल जी बिल्कुल।